हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक वाइज शॉर्टिंग ऑफ 10 ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर यूनिट 4 रिगार्डिंग CSIR UGC नेट लाइफ साइंस। तो हमारी जो 3 प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की बात कर ली थी, तो आज हम स्विच करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। अब सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमारी जो 4 यूनिट है वो क्या है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। मैंने अगेन आपको बता दिया था जो सेल बायोलॉजी उसकी 2 ब्रांच या 2 यूनिट्स आपको CSIR में देखने को मिलती है। आपकी पहली कौन सी थी, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, और अब नेक्स्ट जो यूनिट है, जो यूनिट 4 है, वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें टोटल कितने सेक्शन होते हैं, इसमें टोटल आपके 5 सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो आपका होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, कैंसर, इननेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली आपकी कितने 5 सेक्शन है, और हर एक सेक्शन में आप अगेन देखेंगे तो 10 to 12 टॉपिक, इसमें कुछ ज़्यादा ही टॉपिक्स होते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि आप उन सारे 50 to 55 टॉपिक्स को अब आप कैसे पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना कैसे है, हमें पढ़ना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। स्मार्ट अप्रोच यदि आपको थोड़ी भी याद हो, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा, नहीं देखी है तो पहले जाके देख लो, ठीक। और स्मार्ट अप्रोच आपका क्या है, सबसे पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनसे हर एक ईयर कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हमें वो सेलेक्ट करने हैं। एंड सेकंड, हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप यूनिट 4 की बात करें तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कुछ याद हो, कभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हो, उसमें आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाते, आपसे पूछा क्या जाता है, एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आते हैं, तो हमें उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की। तो किया क्या था हमने, अगर आपको याद कि 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमें ये कुछ टॉपिक्स मिले थे जो जिनको हमने मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल एडिशन। इससे अभी तक 36 क्वेश्चन आए, 36 मतलब बहुत ज़्यादा। अभी तक हमने जितने टॉपिक देखे हैं मैक्सिमम जो था वो 29 क्वेश्चन थे, इसमें 36 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले टारगेट करना है। फिर इसके बाद कैंसर पाथवे को आप देखोगे तो 27 क्वेश्चन हैं, होस्ट एंड पैरासाइट इंटरेक्शन 25 क्वेश्चन हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे 19 क्वेश्चन है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी 12 क्वेश्चन है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस 11 क्वेश्चन है, एंड इंट्रासेलुलर 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग 11 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके 7 टॉपिक्स हैं जिन्हें मैंने मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले यदि आप यूनिट 4 को प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है, और प्रिपेयर कर चुके हो तो इनको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। इस तरीके से रिवाइज एंड रिकॉल करना है बेटा कि ये सारे फिंगर टिप पे आ जाए, कहीं से भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कम टाइम लगा के, क्योंकि टाइम भी ड्यूरेशन जो है वो CSIR का लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम रहेगा या कुछ भी। आपको करना क्या है कि इनको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि जैसे ही इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत इसका आंसर जो है पिकअप कर लें। अब दूसरी आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है आपकी मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक की। अब मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक में अगेन टोटल 8 टॉपिक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो कैंसर बेसिक्स, इससे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस 9 क्वेश्चन, इननेट एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स 9 क्वेश्चन, MSC मॉलिक्यूल से 9 क्वेश्चंस, मैचुरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, इनसे भी 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेल सिग्नलिंग बेसिक 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साइटोकाइन से जो है 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये 8 जो आपके टॉपिक हैं ये कौन से हैं, ये मीडियम फ्रिक्वेंट। सबसे पहले आपको अपने वो 7 टॉपिक टारगेट करने हैं जो आपके हाईली फ्रिक्वेंट है, उसके बाद आपको अपने मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक पे स्विच करना है क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड थर्ड कैटेगरी है आपके लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की, इसमें मैंने आपको 10 टॉपिक मेंशन करके दे दिए हैं। तो 10 में क्या है, रेगुलेशन है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, इम्यून सेल्स एंड ऑर्गन 4 क्वेश्चन है, ऑटो इम्यून डिसीज 4 क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 क्वेश्चन, हाइपर सेंसिटिविटी 3 क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल केस स्टडी इम्यूनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में 3 क्वेश्चन, जैक स्टेट पाथवे 1 क्वेश्चन, वायरल डिजीज एंड कंट्रोल 1 क्वेश्चन, एंटीजन प्रोसेसिंग का भी 1 क्वेश्चन, एंड बैक्टीरियल पैथोजन से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपके ये लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप अभी साइड में रख दीजिए, आपको सबसे पहले अपने हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक और मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक मतलब 7 एंड 8 टोटल 15 टॉपिक्स जो हैं उनको सबसे पहले टारगेट करना है। और 15 टॉपिक तो कम है,
वो तो आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो करना क्या, सबसे पहले उनको जाके नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद प्रिपरेशन करो उनकी। और लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक को आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, अभी साइड में रख दीजिए, ये बात के लिए है। लेकिन सबसे पहले जो जो मैं आपको हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक और मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक हर एक यूनिट में बता रही हूँ बेटा, वो आपको सबसे पहले जाके टारगेट कर लेने हैं, ठीक। अब इसके अलावा यदि आपके पास कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो यदि हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का तो और ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या टारगेट करना है, फिर क्या टारगेट करना है, वो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हो। तब तक आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन करके इनकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।